मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल. मैं हूँ रेनू एंड मी ट्राइंग रुजुता दिवेकर डाइट प्लान फॉर वेट लॉस फॉर हेल्दी लिविंग एंड हेल्दी लाइफ स्टाइल. और आज से मैंने दोबारा से अपनी जर्नी स्टार्ट की है क्योंकि बीच में मेरा काफ़ी अच्छा खासा चल रहा था. मैं कंटिन्यूसली अपना व्लॉग भी पोस्ट कर रही थी, आप लोग देख भी रहे थे, अपनी डाइटिंग भी कर रही थी और सब कुछ प्रॉपर वे में कर रही थी. लेकिन उसके बाद मुझे अपने घर जाना पड़ा था, यानी कि मम्मी के घर जाना पड़ा था. और आपको पता है मम्मियाँ कभी डाइट करने नहीं देती हैं, स्पेशली अगर उनकी बेटी मैरिड हो और वो साल साल भर बाद आती हो. तो बस वही हुआ मेरे साथ. मेरा 58 केजी वेट हो चुका था जब मैंने लास्ट डाइट किया है ना, उस दिन मेरा 58 केजी था, जो कि मैंने अपने कम्युनिटी पर भी पोस्ट किया था, आप वहाँ से भी देख सकते हो. और जब 58 केजीज पे पहुंच गई थी और आज शॉकिंग है, आज आपने मेरा वेट देखा, इट्स 59.90 केजीज, यानी कि मैं 60 केजीज पे वापस आ गई हूँ. मतलब मैंने 5 किलो लूज किया था जिसमें से 2 केजी मैंने सिर्फ 15-20 दिनों में वापस से गेन कर लिया है. और वो है माँ का प्यार, माँ के प्यार की वजह से. क्योंकि पता है मैंने फर्स्ट डे वहाँ ट्राई किया कि चलो मैं डाइट करती हूँ और प्रॉपर जैसे मैं यहाँ पर डाइट लेती थी मैं वैसे ही थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ा थोड़ा खाती रहूँगी. तो मेरी मम्मी ने मेरा मील देखा, ओह माय गॉड इतना थोड़ा सा खाओगी तुम, कितनी कमज़ोर हो गई हो, चेहरा छोटा सा हो गया है, चेहरा उतर गया है, एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल, पता नहीं क्या क्या. तो बस वहाँ फिर मेरा कुछ हो नहीं पाया. और ऊपर से मम्मी ने शाम होते ही भाई को बोलती जहाँ जाके इसके लिए कुछ मोमोज ले अच्छे वाले, वहाँ पर बताती अच्छे मोमोज नहीं मिलते. मतलब मैंने लखनऊ में जो मोमोज खाए ना वो उतने अच्छे नहीं मिलते हैं जितने दिल्ली के होते हैं. तो मैंने मम्मी को भी बताया था कि मम्मी यहाँ मोमोज उतने मज़े वाले नहीं मिलते हैं. तो बस अब वो डेली कुछ ना कुछ जंक मंगवा रही है मेरे लिए, घर में ही बनाए पड़ी हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, कभी पाव भाजी बन रही है घर में, कभी दाल मखनी बन रही है घर में. और वो रेगुलर था, मतलब जो डेली वाला नॉर्मल हमारा घर खाना होता है ना वो बिल्कुल भी नहीं हो रहा था. राइस भी नॉर्मल राइस नहीं बन रहे थे, बासमती राइस बनाए जा रहे थे पता नहीं क्यों. और उस उन सब के बाद ना फिर ऑब्वियसली यार जब इतना कुछ खा रहे थे आप डाइट में क्या दिखाओगे. तो इसीलिए मैंने वहाँ पर पॉज लगा दिया था उस डाइट प्लान को और दोबारा से अब मैं आज से फिर से स्टार्ट कर रही हूँ. तो ये था रीज़न कि मैंने बीच में क्यों स्किप किया, क्यों मैंने इतने दिन गैप किया. और कहाँ थी मैं अभी तक, तो मैं अपनी मम्मी के घर पर थी जो कि मैं बता चुकी हूँ. और आज है डे नंबर 1, आज से हम दोबारा से स्टार्ट करेंगे अपना वही पुराना वाला रूटीन जिसमें हम वेट भी लूज़ करेंगे हेल्दी वे में. और मैं डेली क्या खाती हूँ क्या नहीं खाती हूँ, पूरे दिन क्या करती हूँ, वो आप लोगों के साथ मैं शेयर भी करूँगी. तो सबसे पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं उनके लिए हाय, मैं हूँ रेनू और मैं पोस्ट करती हूँ वीडियोज़ अपनी वेट लॉस जर्नी की जो अभी चल रही है. मतलब अभी मैं अपने वेट लॉस जर्नी पर ही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं अपना वेट लूज कर चुकी हूँ और मैं अब आई हूँ आपको ज्ञान देने के लिए, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है. मैं जर्नी पर हूँ और मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ. तो बिल्कुल आप मुझे फॉलो कर सकते हो. मैं भी रुजुता मैम की बुक्स पढ़कर, मैं भी रुजुता मैम की वीडियोस देखकर ही सीख रही हूँ. मैं भी गूगल करके ही उनकी चीज़ें जो उन्होंने बोली हैं मैं उसको फॉलो कर रही हूँ. तो समटाइम मुझसे मिस्टेक्स भी होती है, समटाइम मुझसे चीट भी होता है, क्योंकि अभी तक मेरा रूटीन जो था पूरा, मेरा जो हैबिट था, मेरा जो रूटीन था ना वो काफ़ी अनहेल्दी था, जिसकी वजह से मैं उसको एकदम से चेंज नहीं कर सकती हूँ. तो प्लीज़ जिनको कुछ कमी लगे तो मुझे आप एडवाइस दीजिए, एडवाइस कर सकते हो. और जिनको लगता है कि हाँ मैं ठीक कर रही हूँ तो मुझे अप्रिशिएट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप.
तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और मॉर्निंग में उठ के मैं थायराइड वाला मेडिसिन मैं ले चुकी हूँ। देन उसके बाद मैंने अपना पहला डिटॉक्स लिया। वैसे रुजुता मैम डिटॉक्स के फेवर में बिल्कुल भी नहीं होती हैं, लेकिन मैं फिर भी लेती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि इस डिटॉक्स से मुझे काफ़ी फ़ायदा मिलता है, क्योंकि मुझे है थायराइड। और थायराइड में धनिया वाला पानी यानी कि कोरिएंडर सीड्स का जो वाटर होता है वो काफ़ी इफेक्टिव होता है, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है, और क्योंकि मुझे उसका रिजल्ट दिखे है। और उसके बाद मैं अपना अब फर्स्ट मील ले रही हूँ, और गर्मी बहुत ज़्यादा है। फर्स्ट मील में मैंने लिए हैं सोक्ड रेजिन, वो काले वाले किशमिश होते हैं ना, वो है ये। और गर्मी इतनी ज़्यादा है, आप देख सकते हो फ़ैन ऑफ है, तो मेरी हालत देख लो आप। वैसे फ़ैन में भी यही हालत रहती है, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, फ़ैन ऑफ ही करके बात कर लो, जो पसीना आना ही है तो ठीक है ऐसे आ जाए। चलो अब मैं अपना फर्स्ट मील खत्म करती हूँ। वेट ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, 60 kgs। ओ माय गॉड, मतलब शर्म आ रही है मुझे वापस से 60 kgs। चलो कोई बात नहीं, फिर से कम करेंगे। और अब मेरा टारगेट है ना 50 kgs मुझे अपना वेट करना है, मतलब मुझे अब 10 kg वेट लूज करना है। देखो मैं कितने टाइम में कर पाती हूँ। वैसे मुझे ना कुछ वीडियोस के नीचे कमेंट भी आते हैं कि मुझे मैंने 20 kg मुझे लूज़ करना है, मैं कैसे करूँ, क्या इससे हो जाएगा, क्या उससे हो जाएगा। तो यार आपने इतना जल्दी वेट गेन नहीं किया है ना कि 2 महीने में या 1 महीने में आपने वेट गेन किया है 20 kg, उसको जितना टाइम लगा है ना उतना टाइम तो एटलीस्ट आप दो कि हाँ उतने टाइम में आपका वेट लूज़ होगा। गाइस ये है मेरा ब्रेकफास्ट, इसमें मैंने बनाया है सूजी के चीले, 2 चीले हैं ये, और साथ में है थोड़ी सी चाय। गाइस टाइम हो चुका है मील नंबर 2 का यानी कि मेरे ब्रेकफास्ट का। तो ब्रेकफास्ट में क्या है मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ, ये है सूजी का क्या बोलते हैं चीला, और साथ में है थोड़ी सी चाय, बिल्कुल थोड़ी सी चाय, बहुत ज़्यादा चाय नहीं ली है। तो 2 चीले हैं जिसके अंदर मैंने डाली है सब्जियाँ, यानी कि मशरूम डाला है, टमाटर, प्याज और कुछ थानी ऐसे डालने को, और हरी मिर्च डाल दी है, थोड़ा सा नमक डाल दिया है, थोड़ा सा ऑरिगेनो डाल दिया, तो उससे थोड़ा सा फ्लेवर इन्हेंस हो जाता है। और बस उसे फेंट के मैंने रख दिया था, थोड़ा सा वो सोख हो गया अच्छे से, फूल गई सूजी अच्छे से, तो मैंने तवे पर डाल के इसको बना लिया। और उससे मैंने डाला है 1 टीस्पून घी, तो घी से बना है तो इसलिए चिपका भी नहीं है और हेल्दी भी हो जाता है। और रुचिता मैम बोलती है मैं अपने हर मेन डाइट के मतलब मेन मील के अंदर घी लेना चाहिए क्योंकि ये डाइजेशन को अच्छा करता है। तो चलो अब मैं अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करती हूँ और आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। सो गाइस टाइम हो चुका है मील नंबर 3 का। तो मील नंबर 3 में मैं खा रही हूँ मैंगो, इसके मैंने 3 slices लिए हैं, मतलब आप ये देख सकते हो इतनी क्वांटिटी है। और आपको मैं बता दूं मैंगो खाने से कोई मोटा नहीं होता है, मोटे होते हैं ओवर ईटिंग से, मतलब आप कुछ भी खा रहे हैं उसकी वो कितना खा रहे हैं वो डिपेंड करता है आपके मोटापे और आपके वेट गेन में। तो बस अब मील नंबर 3 में मेरे पास आज है मैंगो, तो मैं मैंगो इन्जॉय करती हूँ और आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद लंच टाइम पर। मज़ा आ गया, आपको वेदर दिखाती हूँ। दोपहर के 1:30 बज रहे हैं और मौसम देखो आप कितना बढ़िया हो गया है ना, कितना अच्छा मौसम हो गया पता है। कल इस टाइम पर, कल नहीं परसों भी इस टाइम पर ना बाहर नहीं निकल सकते हो, और यहाँ पे मतलब इतनी गर्मी, इतनी तेज़ धूप थी, और आज देखो मौसम। वैसे मैंने अभी लंच नहीं किया है, अब जा रही हूँ मैं लंच कर लेती हूँ, मौसम तो ऐसे ही बना रहेगा। खूब देर से, बहुत देर से मतलब ना बादल गरज रहे हैं और पूरा मौसम काला काला, मतलब काले काले, काला बादल, काले बादल हो गए, क्या बोल रही हूँ मैं मतलब इतनी खुशी कि कुछ बोल ही नहीं पा रही हूँ। मौसम बहुत अच्छा हो गया है, थोड़ी बहुत बारिश हुई है और बस। तो चलो अब जा के लंच करते हैं, यानी कि मील नंबर 4 का टाइम हो चुका है। चलो देखते हैं लंच में मैंने क्या बनाया है। लंच में मैंने बनाई है दाल, राइस और करेले की भुजिया। तो चलो पहले अपना लंच सर्व कर लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। सर्व कर लिया जो कि मेरे बगल में रखा हुआ है, और अब मैं करती हूँ लंच। तो लंच में पहले क्या है वो दिखा देती हूँ आपको, ऐसे मतलब ऐसे शॉट दिखा दूँगी। ये है दाल, इधर है करेले की भुजिया मतलब करेले की सब्ज़ी जिसमें मैंने खटाई डाली खूब सारी, ये है खीरा सैलड में, और ये है राइस। तो ये है मेरी लंच वाली थाली, तो अब मैं इसे इंजॉय करती हूँ। धीरे धीरे खाएंगे, 32 टाइम च्यू करके खाएंगे, और अपने पानी का इंटेक हमें अच्छा रखना है।
अगर वेट लूज करना चाहते हैं, नहीं चाहते कि ब्लोटिंग हो, नहीं चाहते हैं कॉन्स्टिपेशन हो, नहीं चाहते हो कि गैस हो, तो आप अपना पानी का इंटेक अच्छा खासा रखिए, यानी कि कम से कम 3 लीटर पानी तो पीना ही पीना है आप लोगों को, और उससे ज़्यादा पी लोगे तो वो भी अच्छी बात है, कोई ख़राब बात नहीं है। तो चलो अब मैं ज़्यादा बात नहीं करती, वरना लंच मेरा ठंडा हो जाएगा, और आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। पहले अपने बालों को बांध लेती हूँ, क्योंकि खुले बालों में खाना नहीं खाया जाता है, क्योंकि ना मुँह में जाते हैं ना बाल, जैसे हम लोग बाहर जाते हैं तो बाल खोल के ही बैठते हैं, पार्टीज वगैरह में जाते हैं तो फिर तब तो सब कुछ खा लेते हैं। मुझे पता है करेले की सब्ज़ी और अरहर की प्लेन दाल, सिर्फ जीरे और हींग के तड़के वाली ना बहुत पसंद है। मैं पता है करेले की सब्ज़ी को मैं सिर्फ राइस के साथ भी खा सकती हूँ। करेले की सब्ज़ी, बैंगन का भरता और भिंडी की सब्ज़ी, मैं ये ऐसी चीज़ें हैं ना जो मैं बिना रोटी के खा सकती हूँ, मतलब मुझे इतनी पसंद है, या बिना दाल के भी खा सकती हूँ। सिर्फ राइस राइस है तो मैं तीनों चीज़ें बड़े आराम से खुशी खुशी खा लूँगी। तो गाइज़ मैं आप ज़्यादा बात नहीं करती हूँ, अपना लंच फिनिश करती हूँ, और मैं अगर ऐसी बैठी रहूँगी ना तो मैं बातें ही करती रहूँगी और खाना मैं खा नहीं पाऊँगी। तो बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, मैंने टीवी ऑन नहीं किया है, फ़ोन आप सामने लगा हुआ है, तो मैं कुछ भी नहीं यूज़ करूँगी, सीधा 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 मेरा कॉन्सेंट्रेशन होगा मेरे खाने पर। और अब मैं खाना फिनिश करती हूँ और आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। वीडियो ऑन करते गले में खराश हो जाती है। एक्चुअली आप मौसम देखो कितना बढ़िया मौसम हो रहा है, 5 बज रहे हैं शाम के और अभी भी वैसी मौसम है जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था, और 5 बज रहे हैं तो टाइम हो चुका है मील नंबर 6 का। एक्चुअली मील नंबर 5 मैंने स्किप कर दिया क्योंकि पेट में बिल्कुल भी जगह नहीं थी, बिल्कुल भी भूख नहीं थी, तो मैंने सोचा कि उसकी जगह पानी पी लेते हैं। और अब मील नंबर 6 पर मैं खाने जा रही हूँ भेलपूरी, जो कि मैंने घर पे बनाई है, और इसमें है पफ राइस, प्याज डाला है मैंने, चाट मसाला डाला है मैंने, नींबू डाला है मैंने, और थोड़ा सा हरी मिर्च डाली है, और इमली और गुड़ की चटनी जो घर पे बनती है ना वो रखी थी थोड़ी सी, तो आधे से भी मतलब 2 ड्रॉप मैंने वो डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया, हल्का सा काला नमक डाला है, और बस बन गया है मेरा पफ राइस। तो अभी मैं ये खाऊँगी और उसके बाद मैं चाय तो लूँगी यार, चाय तो बनती है, इतना अच्छा मौसम हो गया तो। सो अब मैं अपना इवनिंग स्नैक्स इन्जॉय करती हूँ, 5:30 बज रहे हैं, 7 बजे तक डिनर कर लूँ आई, मतलब कोशिश तो यही रहेगी अगर मैं कहीं और फंस ना गई तो, क्योंकि मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं जल्दी जल्दी काम ख़त्म कर लेती हूँ ना, एंड टाइम पे मैं कहीं ना कहीं फंस जाती हूँ, मतलब या किसी सीरीज़ को देखने में लग जाती हूँ, या टीवी में कुछ सीरियल देखने में लग जाती हूँ, या कुछ ना कुछ, या फ़ोन पर बात करने में लग जाती हूँ, और मेरा टाइम ऐसे ही हो जाता है। तो चलो गाइस ज़्यादा बात नहीं करते हैं, अपना मील नंबर 6 इन्जॉय करते हैं, यानी कि भेल पूरी जो कि घर पे बनाई हुई है और बहुत ही चटपटी बनी है, बहुत ही यम है। तो चलो मुंह में पानी आ रहा है, आप लोगों के भी आ रहा होगा, जाइए आप भी कुछ बनाइए किचन में, कुछ कुछ तो बनाइए और खाइए, और मैं भी अपना मील नंबर 6 इन्जॉय करती हूँ और आपसे मिलती हूँ डिनर टाइम। क्या I love you too. तुम बोलो I love you. 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 लड्डू पता है बाहर भूत आया था? कहाँ पे? बाहर? Yes. चला गया वो अब? कहाँ पे? लेटे रहो तुम, लेटे रहो। चला गया वो? मैं कहाँ पे? वो चला गया अपने घर? मैं नहीं जगा पे सर। दिखाओ प्लीज। अब कल आएगा तो दिखाऊंगी, ठीक है? मम्मी हाँ मम्मी मम्मी हाँ बाबू तो बच्चों को पकड़ो, बाहर जो चोर आता है वो बच्चों को उठा के ले जाता है। मम्मी हाँ शुभम भैया, शुभम भैया, शुभम भैया को बचाऊ? हाँ। उसके पापा ने बचा लिया। मम्मी हाँ पापा का? अपने पापा? अपने पापा ऑफिस? मम्मी हाँ पापा किसके? मम्मी हाँ शुभम भैया के। हाँ। शुभम भैया के पापा भी घर पे आ गए अपने? मम्मी हाँ मम्मी हाँ भूत पापा भगाया। हाँ भूत को पापा भगा देते हैं, ठीक है, और जब चाचू आते तभी घर से बाहर निकलते हैं, पापा के साथ, चाचू के साथ और मम्मा के साथ, अकेले घूमी नहीं जाते हैं, है ना? ठीक है, ओके, गुड गुड। चलो अब फ्लाइंग किस कर दो। सो गाइस क्या हुआ?
हाँ बाहर भूत है। सो गाइस अब डिनर मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, लेकिन 7 बज गए हैं, हमेशा की तरह मैं आज भी लेट हो गई हूँ। मैं कह रही हूँ ना, मैं फंस ही जाती हूँ कहीं ना कहीं। आज भी मैं फंस गई थी। आज इंस्टाग्राम पर मेरी कुछ फ्रेंड्स मुझे मिली हैं, नई फ्रेंड्स मिली हैं, तो उन लोगों से चैट करते करते और बस पूरा टाइम ऐसे ही निकल गया। तो डिनर थोड़ा लेट हुआ है। डिनर में मैंने बनाया है दलिया अपने लिए, लेकिन अभी खाने का मन नहीं है, तो आधे घंटे के अंदर शायद 7-7:30 तो बज चुके हैं, 7:30-8 बजे तक मैं डिनर करूँगी, और जब करूँगी तब मैं आपसे बात करती। कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा है, 1% भी मन नहीं है कि कुछ खाऊं, क्योंकि ना आदत छूट गई है। इन 15-20 दिनों में ये हो गया कि मैं डिनर बहुत ज्यादा लेट करने लगी थी। हाँ बेटा, ये मम्मा का है, ठीक है। तो मैं डिनर बहुत ज़्यादा लेट करने लगी थी, जिसकी वजह से ना आदत छूट गई है जल्दी डिनर करने की, और 1-2 दिन लगेगा, मैं भी जानती हूँ। और मैं खुद को फोर्स नहीं करूँगी कि मैं सारा बाउल ख़त्म करूँ, जितना मैं खा पाऊँगी मैं उतना खाऊँगी, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि मैं अभी खाना मुझे ठीक रहेगा। मैं 1-2 स्पून खाऊंगी बस, उसके बाद नहीं खाऊंगी, लेकिन मुझे इतना पता है कि रात में मुझे भूख लगेगी। तो 1-2 दिन ऐसा रहेगा कि मैं डिनर ठीक से नहीं कर पाऊंगी, और रात में मुझे फिर सोने से पहले दूध वगैरह कुछ ना कुछ तो पीना पड़ेगा, नहीं तो फिर भूख लग जाएगी काफ़ी ज़्यादा। तो फिलहाल अभी जितना खा पाती हूँ उतना खाती हूँ। वैसे दलिया मेरी फेवरेट है, लेकिन इच्छा ही नहीं हो रही है, मन ही नहीं हो रहा है, ना भूख लग रही है ना कुछ खाने का मन कर रहा है, लेकिन फिर भी 1-2 स्पून खाती हूँ, जितना खा पाऊँगी खाऊँगी, उसके बाद फिर मैं छोड़ दूँगी इसे। बाकी आगे मैं क्या खाती हूँ या क्या नहीं खाती हूँ, मुझे भूख लगती नहीं लगती है, वो मैं आप लोगों के साथ आगे शेयर कर दूँगी। और पीछे लड्डू है जो यहाँ से वहाँ सामान फेंक रहा है, उठा रहा है, बस इसका ये लगा ही रहता है। तो गाइज़ चलो मैं अपना डिनर फिनिश करती हूँ और आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। सो गाइज़ इससे ज़्यादा मैं खा नहीं पाऊँगी, तो अब मैं इसे रख देती हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और आज है नेक्स्ट डे, पता नहीं मेरे साथ क्या होता है, पूरी दिन वीडियो में शूट कर लेती हूँ, रात में वीडियो एंड ही करना भूल जाती हूँ। कल भी ऐसे ही हुआ, पूरा दिन का वीडियो एडिट कर शूट कर लिया, और अभी नहाने जा रही थी तो मैंने सोचा अभी थोड़ा टाइम है तो थोड़ा सा पहले ना वीडियो को एडिट कर लेते हैं कल वाला। और वीडियो एडिट करते करते देखा लास्ट में तो मतलब वीडियो का एंड किया ही नहीं है मैंने। बस इसीलिए अब मैं आई हूँ वीडियो को एंड करने के लिए, क्योंकि मुझे ऑस्कर, मैंने दूसरा व्लॉग भी स्टार्ट कर दिया है, मतलब आज का व्लॉग भी स्टार्ट हो चुका है, और पिछला व्लॉग एडिट कर रही तो ध्यान आया कि चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो गाइस अब मैं करती हूँ इस वीडियो का एंड, लेकिन हाँ उससे पहले मुझे एक अपडेट देना है कि दलिया खाया था मैंने कल, उसके बाद रात में हस्बैंड आए तो उनको पिज़्ज़ा खाना था, तो उन्होंने वो पिज़्ज़ा उन्होंने मंगाया, और मुझे ना आजकल बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स हो रही है, और मैं इतना ज़्यादा फालतू का खाने लगी हूँ ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ। ट्रेन जा रही है, मैं इतना फालतू खाने लगी हूँ ना कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, मेरे साथ ऐसा हो रहा है आजकल। और वो इसलिए क्योंकि पिछले 15-20 दिन से मैंने काफ़ी उल्टा सीधा खाया है, तो बस वही क्रेविंग्स है। तो हस्बैंड को पिज़्ज़ा खाते देख के ना मुझे भी मन कर गया कि मैं पिज़्ज़ा खा लूँ, तो मैंने उनके पिज़्ज़ा से एक स्लाइस पिज़्ज़ा से एक बाइट मैंने पिज़्ज़ा खा लिया था, और एक पता नहीं उन्होंने कुछ नई चीज़ मंगाई थी, मुझे उसका नाम अभी याद नहीं आ रहा है, उसमें 3 स्लाइसेस थे और एक स्लाइस मैंने उसका खाया था, तो थोड़ा सा चीट हो गया, लेकिन ठीक है, समटाइम चलता है। और मैं एकदम से बिल्कुल खुद को बिल्कुल चेंज नहीं कर सकती हूँ, जहाँ मैं दिन भर मैं उल्टा सीधा खा रही थी वहाँ मैं एकदम से सब कुछ चेंज कर दूँ, बिल्कुल हेल्दी खाऊँ, ऐसा पॉसिबल नहीं है यार। मैं अपने माइंड पर अपने ऊपर इतना प्रेशर नहीं दे सकती हूँ। ये ऑस्कर है, बाहर बच्चे खेल रहे हैं ना, तो इसको दिक्कत है, मेरे घर के बाहर क्यों खेल रहे हो ऑस्कर। तो गाइज बस ये दो चीज़ें बता दी कि मैंने कल कुछ ज़्यादा खा लिया है और मुझे क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा हो रही है, तो चलो ठीक है धीरे धीरे वो भी कम हो जाएगी। तो गाइज अब मैं करती हूँ इस वीडियो का एंड, एंड आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। डे 1 कंप्लीट कर लिया मैंने, जैसे भी किया है, थोड़ा सा चीट हो गया, ठीक है कोई बात नहीं, और आगे हम ट्राई करके कि अच्छा अच्छा खाएंगे, हेल्दी हेल्दी खाएंगे, और इस तरह से कोई चीट नहीं होगा, आई प्रॉमिस। मैं ट्राई करूँगी कि मैं कुछ भी चीट ना करूँ, लेकिन बाकी तो वो डिपेंड करता है। तो चलो अब मैं करती हूँ वीडियो का एंड, एंड आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो क्या करना है आपको, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, वीडियो पूरा देखिएगा, शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में, और थैंक यू सो मच कि आप लोग मुझे मिस कर रहे थे, मेरे पास DMs भी आ रहे थे, मेरे पास कमेंट भी आते मेरे वीडियो के नीचे, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और चलो फिर से अपनी जर्नी हमने स्टार्ट कर दी है, तो अब तो हम मिलते रहेंगे। तो अब मिलूंगी मैं आपसे कल विद अ न्यू वीडियो, विद अ न्यू स्माइल, विद अ न्यू डे। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।